और बड़ी खबर मिल रही है, झारखंड में इंडिया गठबंधन में तकरार और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरजेडी के बाद अब सीपीआई भी जेएमएम से नाराज हो गई है। आरजेडी और सीपीआई ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, सुलह का वक्त दिया है, और ऐसा नहीं होने पर दोनों दलों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आरजेडी और सीपीआई दोनों ही आज अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आरजेडी जहां सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वहीं सीपीआई ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। हम बार बार कहते थे कि हम भी 81 पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी 81 पर लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबकी तैयारी 81 पर हो सके और जब मुख्य लड़ाई शुरू हो तो सबकी ताकत समवेत होकर एक हो सके। आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को